11 मार्च 2021 न्यू हॉस्पिटल नोएडा उत्तर प्रदेश इमरजेंसी रूम। इस हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर्स एक अनबिलीवेबल केस की वजह से यहां खड़े हुए हैं। प्रॉब्लम है एक एडिक्टिव एंड हार्मफुल सब्सटेंस स्टेरॉइड। डॉक्टर्स की नजर बार बार इस ब्लड प्रेशर मशीन की तरफ जा रही है। एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर की वजह से नर्स ने ब्लड सैंपल लेना शुरू किया। शॉकिंगली हाथ में अलग अलग जगह ट्राई करने के बाद भी नर्स को किसी भी वेन से ब्लड नहीं मिला। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स भी कांप गए। आदेश ने नर्स के हाथ से सिरिंज ली और एक वेन में घुसा दी। इनफैक्ट ये बंदा इतना एग्रेशन था कि उसने डॉक्टर्स और नर्सेस तक को पीटना शुरू कर दिया। हालात इतनी बिगड़ गए कि डॉक्टर्स को उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह से बेड पर भांगना पड़ा। शाम होते होते सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी। इन रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर को रियलाइज हो चुका था कि आगे क्या होने वाला है। यही बात बताने के लिए डॉक्टर ने आदेश के भाइयों को अपने चैम्बर में बुलाया, लेकिन जो बात डॉक्टर ने कही वो सुनकर आदेश के भाइयों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। ये बंदा अगले 24 घंटे में अगर वेंटिलेटर पर नहीं गया तो इसको बचाया जा सकता है। लेकिन इंडिया में रेयरली कहीं कोई ऐसी गिनी चुनी जिम्स होंगी जिनमें स्टेरॉइड यूजर्स नहीं होंगे। एक समय था जब स्टेरॉइड्स लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ 230 रुपए में मेडिकल शॉप में मिलने की वजह से आज इतना कॉमन हो गया है कि ये न्यूज इंडियन आर्मी सिलेक्शंस के लिए होने वाली रेस की है। एथलेटिक ग्राउंड हरियाणा। कुछ ही देर में इंडियन आर्मी में सिलेक्शन के लिए 1600 मीटर की रेस स्टार्ट होने वाली है। एस्पिरेंट्स अपनी अपनी पोजीशन लेकर एकदम रेडी हैं। रेस शुरू होते ही कुछ देर बाद ये बंदा इंजेक्शन निकालता है और भागते भागते खुद को टर्मेन स्टेरॉइड का इंजेक्शन मार लेता है। इंजेक्शन लगते ही एनर्जी उसकी बॉडी में सुनामी की तरह बढ़ने लग गई। शॉकिंगली एनर्जी के साथ ही एक चीज जो और बढ़ने लगी वो थी अग्रेशन। ये बंदा रेस टाइम से पहले ही फिनिश कर लेता है, लेकिन अभी सिर्फ रेस खत्म हुई है बात नहीं। इस बंदे ने फिनिश लाइन पर पहुंचते ही वहां खड़े आर्मी ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। इस बच्चे को कंट्रोल करने के लिए 4 आर्मी ऑफिसर्स ने उसे पकड़ा और बाद में उसे हॉस्पिटल ले गए। इस वीडियो में बायोलॉजिकल प्रूफ्स के साथ हम फंडामेंटली इस बात को समझेंगे कि एक नॉर्मल जिम गोइंग पर्सन को कभी भी स्टेरॉइड्स क्यों नहीं लेने चाहिए। वरना ऐसे तो हजारों लोग हैं जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जिंदा भी हैं, बाहर से दिखने में हेल्दी भी हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट रीजन भी तो पता होना चाहिए ना कि डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स लेने से मना क्यों कर रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया में एक 16 साल का लड़का जब पहली बार जिम जाता है तो खुराक के पर्सपेक्टिव से उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला तो ये कि वो जिम जाने के साथ साथ नॉर्मल घर का खाना ही कंटिन्यू करे, जैसे रोटी सब्जी दाल चावल और सैलेड एक्सेट्रा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो घर के खाने के साथ साथ मसल रिकवरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी ले, जैसे वे प्रोटीन, BCAA और क्रिएटिन। तीसरा और डेंजरस ऑप्शन उस लड़के के पास ये है, वेट। तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करने से पहले दूसरे ऑप्शन के बारे में एक बात आपको क्लियरली ये भी पता होनी चाहिए कि जनरली मार्केट में एक टर्म यूज होता है पाउडर वाली बॉडी या डब्बे वाली बॉडी। असल में होता यह है कि कंपैरेटिवली फिट इंसान जब कहीं से गुजरता है तो चाय और सुट्टा हाथ में लेके 4 तोंद वाले चंपू बहुत आसानी से कमेंट कर देते हैं कि अबे इसने तो पाउडर खाका के बॉडी बनाई है। अबे गधों, तुम्हें फंडामेंटली ये भी नहीं पता कि तुम पाउडर वाली बॉडी बोल किसे रहे हो। 16 साल के लड़के के सामने दूसरे ऑप्शन वाले टेबल पर ये जो वे प्रोटीन रखा है, डब्बे वाली बॉडी बोलते वक्त जनरली लोग इस डब्बे की बात करते हैं, जबकि उन्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं होता कि इसके अंदर जो वे प्रोटीन है वो दूध से ही बनता है, नेचुरल है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ टू ईट है। खैर, इस लड़के के सामने तीसरा और सबसे खतरनाक ऑप्शन जो उसे कभी नहीं चूज करना चाहिए वो है ये स्टेरॉइड्स वाला। अब स्टेरॉइड्स शब्द को भी लोगों ने बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दिया है। आपको क्लियरली बता दूं कि इस टेबल पर रखी हुई हर चीज स्टेरॉइड्स नहीं है। स्टेरॉइड्स अलग होते हैं और PEDs यानी परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स अलग होते हैं। मार्केट में हद से ज्यादा यूज होने वाले ये टर्मिन और एम्प के इंजेक्शंस स्टेरॉइड्स नहीं है, ये परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स हैं। ये वर्कआउट करते टाइम आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। एक एक करके इन दोनों की ही बात करेंगे क्योंकि ये दोनों ही यंग इंडियंस की जान ले रहे हैं, लेकिन शुरुआत सबसे पहले स्टेरॉइड से करते हैं। स्टेरॉइड्स और प्रीवर्कआउट से हमारी बॉडी को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता है क्योंकि इन चीजों में DHEA और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स होते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का इम्बेलेंस हमारी बॉडी में DHT इंक्रीज करके एक बहुत बड़े साइड इफेक्ट को जन्म देता है जो है हेयर लॉस। असल में यही इंक्रीज्ड DHT हमारे हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करता है जिससे हमारे बालों के स्ट्रैंड्स का डायमीटर पतला होने लग जाता है और एक टाइम पर ये इतना पतला हो जाता है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस शुरू होने लगती है। ये कोई नॉर्मल हेयर फॉल नहीं है, इसमें बाल धीरे धीरे पतले होने लगते हैं और उसके बाद हेयर फॉल इतना बढ़ने लग जाता है कि गंजेपन में बदलने लगता है। अब खुद सोचो कि ऐसे इंक्रीज्ड DHT की वजह से होने वाले हेयर फॉल के लिए शैम्पू और तेल क्या ही कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर एक स्मार्ट डिसीजन लेके एक ऑलराउंड ट्रीटमेंट को चूज करना चाहिए जो ट्राया प्रोवाइड करता है। ट्राया के फ्री हेयर टेस्ट से आप अपने हेयर फॉल की स्टेज और कारण पता लगा सकते हो। हेयर फॉल के टोटल 7 स्टेजेस होते हैं और अगर आप स्टेज 1 से स्टेज 4 के बीच में हो तो ट्राया जैसा नेचुरल ट्रीटमेंट लेके
आप अपने बालों को बचा सकते हो। अपने हेयर फॉल का स्टेज पता लगा के जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार आप स्टेज 5 के ऊपर चले गए तो उसके बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस ही बचेंगे। इनके हेयर रूटीन्स काफी कस्टमाइज्ड और ऑलराउंडेड होने की वजह से 93% कस्टमर्स ने रिजल्ट्स भी देखे हैं। अगर आप भी टाइम से अपना हेयर लॉस कंट्रोल करना चाहते हो तो ट्राया ऐप डाउनलोड करके फ्री हेयर टेस्ट लो, अपना 1 month किट खरीदो और रूटीन फॉलो करके 5-6 महीने में रिजल्ट्स देखो। मेरा कोड POH20 यूज करने पर आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। असलियत तो यह है कि स्टेरॉइड्स को लेकर लोगों के दिमाग में एक अलग ही लेवल का कंफ्यूजन है। स्टेरॉइड शब्द की अपने आप में एक ऐसी इमेज बन गई है जैसे वो कोई जहर हो। अरे नहीं भाई, स्टेरॉइड्स वो हार्मोन्स हैं जो अपनी बॉडी में भी पाए जाते हैं। बेसिकली स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ह्यूमंस में नेचुरली जो स्टेरॉइड हार्मोन्स पाए जाते हैं उसमें है ये टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और कोर्टिसोल एक्सेट्रा। मतलब स्टेरॉइड्स को बहुत ही क्लियरली और एकदम बेसिक लेवल पर आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इनको बाहर से बॉडी के अंदर भी डाला जाता है कोई भी स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करने के लिए। जैसे सिंथेटिक स्टेरॉइड्स बेसिकली 2 categories में आते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स मेनली मेडिकल पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे अर्थराइटिस के पेशेंट को जो मेडिसिंस दी जाती हैं उनमें ऑलरेडी स्टेरॉइड्स हैं, पर चूंकि इस केस में स्टेरॉइड शरीर के अंदर डॉक्टर के सुपरविजन में जा रहा है इसलिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। वहीं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का केस टोटली डिफरेंट है। एनाबॉलिक शब्द का मतलब होता है ग्रोथ। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए, वी शेप बॉडी के लिए, तगड़ा दिखने के लिए या आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए शरीर के बाहर से जो सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन शरीर के अंदर डाला जाता है बस उसे ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड बोलते हैं। पर अभी भी एक क्वेश्चन तो ये भी है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने से बॉडी बन क्यों रही है। देखो, ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, इन दोनों के अंदर ये दोनों ही हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। अब चूंकि मेल्स के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है वो भी टेस्टोस्टेरोन ही है, इसलिए मेल्स में ईस्ट्रोजन के कंपैरिजन में टेस्टोस्टेरोन काफी ज्यादा होता है और फीमेल्स में जस्ट उल्टा होता है, टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन में ईस्ट्रोजन काफी ज्यादा होता है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि टेस्टोस्टेरोन एक ग्रोथ हार्मोन है, ये जिसके अंदर जितना ज्यादा होगा उसकी मेल कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जो लोग बॉडी बनाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं वो बेसिकली और कुछ नहीं कर रहे, बस बाहर से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। अब लोग ऐसा कर तो रहे हैं, लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने के एक्सट्रीम साइड इफेक्ट का एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। 10 जनवरी 2022 सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ICU वार्ड। 19 साल के इस लड़के की रिपोर्ट्स फाइनली डॉक्टर्स को मिल गई हैं, लेकिन इस सीनियर डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा कि ये शॉकिंग न्यूज उस लड़के के पेरेंट्स को कैसे सुनाई जाए। फाइनली डॉक्टर ने हिम्मत करके बोल ही दिया, ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने की वजह से आपके बेटे को ब्लड कैंसर हो गया है। फिर 2 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई, बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा तो सबने पढ़ के एक ही रिजल्ट निकाला कि मुझे स्टेरॉइड की वजह से ब्लड कैंसर हुआ। अभिषेक ने 17 साल की एज में ही बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। इसी कॉम्पिटिशन में अभिषेक एक बंदे की बॉडी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, इवन उस बंदे जैसी बॉडी बनाने के लिए उसने जिम भी ज्वाइन कर लिया। अब जो होने वाला है उससे अभिषेक की लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाली है, देखो कैसे। इस बंदे ने अभिषेक को स्टेरॉइड्स लेने की सलाह दी। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने 17 साल के अभिषेक को 4 स्टेरॉइड इंजेक्शंस और बहुत सारी टैबलेट्स खाने को दी। ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये सारे स्टेरॉइड्स वो एक ही इंजेक्शन में एक साथ डालकर अभिषेक को लगाता था। कुछ टाइम तक तो अभिषेक की बॉडी ये सारी चीजें झेलती रही, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अभिषेक की जिंदगी एकदम ही पलट गई। अभिषेक के घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ। फॉलोइंग दिस हॉस्पिटल में सारे टेस्ट करवाने के बाद ये पता चला कि उसे कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं बल्कि एक जानलेवा बीमारी ब्लड कैंसर है। दिल्ली में एक 11th क्लास के लड़के के साथ भी स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स का एक रियल इंसिडेंट हुआ। अक्षत को उसके कमवेट की वजह से स्कूल में काफी बुली किया जाता था। इसी बुलिंग से बचने के लिए और अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया। रेगुलर वर्कआउट और अच्छी डाइट से उसने 20 kg वेट भी गेन कर लिया, लेकिन अभी भी अक्षत को और ज्यादा वेट गेन करना था, इसलिए उसने अपने ट्रेनर से बात की। अब इस ट्रेनर ने उसे स्टेरॉइड्स लेने की सलाह दी। फॉलोइंग दिस 17 साल की एज में ही अक्षत ने ये खतरनाक स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दिया। स्टेरॉइड्स लेने की वजह से अक्षत की बॉडी बनना तो शुरू हो गई, लेकिन एक चीज जो और शुरू हुई वो थे साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले तो अक्षत की बैक पर इस तरह से एक्ने होना स्टार्ट हुआ जो उसके हाथ, नेक और फेस पर भी भरने लगे। इसके अलावा उसके चेस्ट पर कुछ इस तरह का फैट डिपॉजिट होना भी शुरू हो गया। जब उसने ट्रेनर को इन सारे साइड इफेक्ट्स की कंप्लेन की तो ट्रेनर ने ये बोल के बात टाल दी कि जवानी में तो एक्ने होते ही रहते हैं और अपने आप ठीक हो जाएंगे। साइड इफेक्ट से तंग आके जैसे ही उसने इन स्टेरॉइड्स को लेना बंद किया तो उसे डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स शो होने लगे। हालात इतनी खराब हो गई कि वो 11th क्लास में फेल तक भी हो गया। जब बात एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की हो रही है तो आपको ये भी क्लियरली दिख रहा है कि इसमें
ट्रेनर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है। इनफैक्ट ग्राउंड रियलिटी भी यही है कि खुद के 10-20% कमीशन के लिए ट्रेनर्स अपने कनेक्शंस का यूज करके जिम में आने वाले नए लड़कों को स्टेरॉइड्स दिलवा रहे हैं। क्योंकि अगर 16 साल का लड़का किसी भी मेडिकल शॉप पर जाके डायनाबॉल का पत्ता मांगेगा तो केमिस्ट पूछ लेगा कि भाई क्यों चाहिए, लेकिन वहीं अगर जिम ट्रेनर अपना जैक लगवा के उसी केमिस्ट शॉप से वही डायनाबॉल का पत्ता खरीद के उस 16 साल के लड़के को 200-500 रुपए बढ़ा के इजीली बेच सकता है। इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मेरे सामने एक ये बात भी आई कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स खुलेआम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर बिक रहे हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के यूज को लेकर इंडिया में आज मिस इन्फॉर्मेशन इस हद तक पहुंच चुकी है कि यूट्यूब पर जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूजेज इफेक्ट्स की बिफोर और आफ्टर वीडियोस पड़ी हैं, उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं कि भाई बता दे कैसे कैसे लेना है। मतलब आप समझ भी पा रहे हो कितनी सीरियस बात है। एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचर के खिलाफ है, जो इंस्टाग्राम पर बॉडी शो ऑफ के लिए लिया जा रहा है, जो हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स, इस तरह से गंजापन, सैगी या लूज स्किन और लिवर को फेल कर देता है, उस खतरनाक सब्सटेंस को कैसे लेना है और कैसे नहीं, इस बात का ज्ञान लोग YouTube कमेंट्स में से ले रहे हैं। याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिल्ली में एक 11th क्लास के लड़के अक्षत का इंसिडेंट बताया था। उसमें अक्षत के चेस्ट पर ये फैट डिपोजिशन वाली बात भी आई थी। इसका साइंटिफिक टर्म है गाइनेकोमेस्टिया, या शॉर्ट में गाइनो भी बोल दिया जाता है। आसान भाषा में बोलूं तो मैन बूब्स। इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से बॉडी में इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाती है। चूंकि सारा टेस्टोस्टेरोन तो बॉडी यूज नहीं कर सकती है, इसलिए बॉडी में एक प्रोसेस शुरू होता है, एरोमेटाइजेशन। ये प्रोसेस कुछ ऐसा ही है जिस तरह से पानी आइस में चेंज हो जाता है। इस एरोमेटाइजेशन प्रोसेस में ये एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ईस्ट्रोजन वही हार्मोन है जो फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फॉलोइंग दिस, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के एरोमेटाइजेशन से कुछ इस तरह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इतने सब साइड इफेक्ट्स के अलावा जो सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है, अब उसको समझो। ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन में ये है हाइपोथैलेमस, जो कि हार्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, GnRH, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस GnRH का काम है ब्रेन में मौजूद इस पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करवाना। पहला तो LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स में इस LH का काम है इस टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाना, और इस FSH का काम है स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करना। चूंकि स्टेरॉइड्स लेने की वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन आ चुका है, तो ये हाइपोथैलेमस इस GnRH हार्मोन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। फॉलोइंग दिस, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ना के बराबर हो जाता है। ये सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे कि स्टेरॉइड्स लेने के कुछ ही दिनों में स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है और टेस्टिकल्स भी श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 27% लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन और 57% लोगों को डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव भी फेस करनी पड़ती है। एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि इस रेस में सिर्फ मेल्स ही नहीं बल्कि फीमेल्स भी शामिल हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है। जब फीमेल्स अपनी मसल्स बिल्ड करने के लिए ये स्टेरॉइड्स लेना शुरू करती हैं, तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन की अवेलेबिलिटी होने लगती है। फॉलोइंग दिस, उनकी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होने लगती हैं। शॉकिंगली, उनकी आवाज चेंज होते होते आदमियों की तरह हो जाती है और बॉडी पर एक्सेस में बाल आने लग जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, पर आदमियों की तरह बियर्ड्स आने लगती हैं, और इस ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्लिटोरल एनलार्जमेंट तक हो जाता है। मोरओवर, इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो दो रियल इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए थे, उन दोनों ही इंसिडेंट्स में आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, एकदम एक्सट्रीम लेवल की अग्रेसिवनेस। ये देखो कैसे ये जिम में नॉर्मल कन्वर्सेशन करते करते अचानक एक जानवर बन गया और सामने वाले बंदे को जान से मारने पर उतारू हो गया। असल में मेडिकल लैंग्वेज में इस चीज को रॉयड रेज बोला जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अब्यूज का ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। इस केस में गुस्से का, एग्रेशन का और मारपीट का अचानक से एक बड़ा स्पाइक आता है, और फिर वो इंसान थोड़ी देर बाद नॉर्मली बिहेव करने लगता है। अब स्टेरॉइड्स के केस में अग्रेसिवनेस का जो फेज आपने देखा, उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक फेज एम्प और टर्मिन के केस में होता है। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड्स कोई सस्ती दवाइयां नहीं है, काफी महंगी दवाइयां हैं, और स्टेरॉइड्स की एक साइकिल में काफी खर्चा हो जाता है। इसलिए काफी लोग अपनी वर्कआउट की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए सब्स्टिट्यूट के रूप में टर्मिन के इंजेक्शंस लगा लेते हैं। टर्मिन की एक 10 ml की वायल इतनी सस्ती है कि सिर्फ 230 रुपए की आ जाती है। लेकिन सस्ती तो चूहे मारने की दवाई भी आ जाती है। कोई चीज सस्ती है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसको कंज्यूम कर लो, स्पेशली उस केस में जब वो किसी और पर्पस से बनाई गई हो। सच बात तो ये है कि इस टर्मिन का यूज स्पाइनल सर्जरी के टाइम किया जाता है। स्पाइनल सर्जरी के दौरान जब एनेस्थीसिया देने की वजह से बंदा शॉक में चला जाता है और उसका ब्लड प्रेशर एकदम से गिरने लगता है, तो ये टर्मिन का इंजेक्शन लगाकर उस पेशेंट को रिवाइव किया जाता है। इन शॉर्ट, ये टर्मिन हार्ट फेल होने से बचाने के लिए कुछ रेयर केसेस में दिया जाता है। बात यूजेज की चल ही रही है, तो ये भी समझ लो कि अपनी वर्कआउट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जिस एम्प का यूज बॉडी बिल्डर करते हैं, वो इंजेक्शन हॉर्स रेसिंग में यूज होता है और घोड़ों को लगाया जाता है। इनफैक्ट कई केसेस तो ऐसे भी हैं जिनमें एम्प का इंजेक्शन लगने की वजह से घोड़ों तक की मौत हो गई है।
अब सोचो इंसान तो क्या ही बचेगा। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ 30 सेकंड में ये बात आपको क्लियरली विजुअलाइज्ड होनी चाहिए कि स्टार्टिंग में 16 साल के लड़के के पास ये तीनों ऑप्शंस थे, जिम जाने के साथ साथ न्यूट्रिशन के रूप में बेसिक घर का खाना, दूसरा ऑप्शन ये था कि घर का खाना प्लस कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, और तीसरा और लास्ट ऑप्शन था जल्दी से बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का भी यूजेज। अब स्टेरॉइड्स के यूजेज वाली कैटेगरी में हमने क्लियरली समझा कि सब कुछ स्टेरॉइड्स नहीं होता, स्टेरॉइड्स अलग होते हैं और परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स अलग होते हैं। उसमें भी हमने ये समझा कि स्टेरॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स तो वो हो गए जो डॉक्टर्स खुद पेशेंट्स को लेने के लिए बोलते हैं और मेडिकल यूज में आते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स तो वो हो गए जो बॉडी बिल्डर्स अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए लेते हैं। थोड़ा सा अगर पीछे चला जाऊं तो ये जो दूसरी कैटेगरी है पीईडीज की, एम्प और टर्मिन इसमें आते हैं। ये पूरा विजुअलाइजेशन आपको अच्छे से क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। एम्प और टर्मिन को आप ऐसे समझो कि ये प्री वर्कआउट की तरह ही यूज किए जाते हैं। असल में होता ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से मसल्स में एक एसिड बनने लगता है जिसे बोला जाता है लैक्टिक एसिड। इनफैक्ट इसी लैक्टिक एसिड की वजह से मसल में दर्द और थकान होने लगती है। अब जैसे ही कोई बंदा एम्प का इंजेक्शन लेता है तो ये एम्प बॉडी में जाकर इन ब्लड वेसल्स को कुछ इस तरह से चौड़ी कर देता है जिससे मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होने लग जाता है और साथ ही ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी एक्स्ट्रा अमाउंट्स में मसल्स को मिलने लगते हैं। इनफैक्ट जब ये एम्प घोड़े को लगाया जाता है तो उसके मसल्स में भी ब्लड फ्लो कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाता है। फॉलोइंग दिस वो घोड़ा और ज्यादा स्पीड से भाग पाता है और उसके जीतने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रिपोर्टेडली घोड़ों को उनके हर 100 केजी वेट पर 2.5 ml एम्प ही दिया जाता है, लेकिन अपने इंडिया में जिम्स में ये हालत हो रखी है कि अननोइंगली बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के चक्कर में 3 से 4 ml तो लोग एक बार के डोज में ही ले रहे हैं। सबसे इंपोर्टेंट कैच ये है कि टर्मिन और एम्प लगाने से जो पंप आपको चाहिए था वो आए ना आए, पर एक चीज जो जरूर आएगी वो है खराब सेक्सुअल हेल्थ। एम्प और टर्मिन जैसे इंजेक्शन की वजह से मेल्स में स्पर्म क्वालिटी एकदम खराब हो जाती है और तो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा कुछ इस तरह के विजुअल हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, बंदा हमेशा ही कंफ्यूजन के स्टेट में रहता है। काफी सारे लोगों ने तो ये भी बताया है कि कंफ्यूजन इतने लेवल पर बढ़ जाता है कि उन्हें यही याद नहीं रहता कि वो क्या एक्सरसाइज करने के लिए जिम में आए थे। 100 बात की एक बात यह है कि अगर ये 16 साल का लड़का सिर्फ फिट रहने के लिए जिम जाता है और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करता है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये स्टेरॉइड्स वाला ऑप्शन तो उन लोगों के लिए है जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस फाइट करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के अंडर स्टेरॉइड्स लेते हैं। एक नॉर्मल जिम जाने वाला बंदा जिसको जिंदगी में सिर्फ फिट रहना है, उसको कभी भी अपनी जिंदगी में स्टेरॉइड्स लेने की कोई नीड है ही नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जिम ट्रेनर्स का भी है। जिम ट्रेनर्स को खुद ही अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि अगर वहां पर उस 16 साल के लड़के की जगह उनका सगा भाई होता तो सिर्फ 10-20% कमीशन मारने के लिए क्या वो उसे भी स्टेरॉइड्स के नरक में धकेल देते। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं वो सब यंग इंडियंस को ये बात खुल के बताएं कि वो साइकिल्स पे हैं, नेचुरल नहीं है। इट्स टाइम अपने आप को नेटी नेटी बोलकर यंगस्टर्स को गुमराह करना बंद करो। जितना फोकस बॉडी दिखाने पे लगा देते हो उतना ही फोकस अवेयरनेस पर भी करो और यंगस्टर्स को बताओ कि स्टेरॉइड्स के बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स भी हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने जून 2018 में एक रिसर्च की थी जिसमें क्लियरली बताया था स्टेरॉइड्स लेने वाले हर 100 में से 27 लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कोई सीवियर सेक्सुअल डिजीज है। और ये रिसर्च एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि वी शेप बॉडी वाले जिन बंदों को तुम लोग हीरो बनाकर एक पावरफुल मर्द होने की निशानी समझ रहे हो, वो असल में मर्द है भी या नहीं, या फिर इंस्टाग्राम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। खैर इस वीडियो में मैंने 3D एनिमेशन की हेल्प से बताया है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को कैसे मारा था। क्लिक करो और जरूर देखो।